नमस्कार, ममता की किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मसाले वाली गोभी, जो फ्राई करके बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आधा किलो गोभी ली है, इसको इतने बड़े टुकड़ों में काट ली है। तो इसको हम पहले फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है, ये सरसों का तेल है। तेल गरम हो गया है तो इसमें ये कटी हुई गोभी फ्राई कर लेंगे। गोभी को फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे और इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। गोभी को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो गोभी अच्छी तरह ब्राउन हो गई है, हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई है। गैस का फ्लेम अब बंद कर देंगे। गोभी को अब हम बाउल में निकाल लेंगे। तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है तो इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा हल्का भुन गया है तो इसमें हींग डाल देंगे। अब इसमें 2 कटी हुई प्याज डाल देंगे, जो लंबे टुकड़ों में काटी है। प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज हमारी भुन गई है तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। कटी हुई मिर्च डाल देंगे, जो लंबे टुकड़ों में काट लिए। ये 2-3 हरी मिर्च हैं, मिर्च डाल के भी भून लेंगे। मिर्च भुन गई है तो इसमें मैंने 4 टमाटर की प्यूरी पीस ली है, तो टमाटर को भी डाल देंगे। टमाटर प्याज अच्छे से भून गए हैं तो इसमें अब हम मसाले डाल देंगे। तेल अलग हो गया है प्याज से टमाटर से। आधी चम्मच मिर्च डाल देंगे। आधी चम्मच हल्दी, धनिया 2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ढक्कन को हटाकर चेक कर लेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, मसालों से तेल अलग हो गया है।
अब इसमें काला नमक डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे, अब इसमें हमने जो गोभी फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे। अब इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे जिससे मसाला गोभी पे अच्छी तरह लग जाए। गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इसे 5 मिनट ढक के पकाएंगे। मिनट हो गए हैं तो ढक्कन हटाकर गोभी को चेक कर लेंगे। गोभी हमारी गल गई है, पहले से ही फ्राई थी, सॉफ्ट हो गई है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डाल के मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। धनिया को डाल के मिक्स कर देंगे। गैस को बंद कर देंगे। अब गोभी बनकर तैयार है तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। बहुत अच्छी गोभी बनी है, खुशबू आ रही है इसमें अच्छी। तो हमारी मसालेदार फ्राई गोभी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी गोभी बनी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।